अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकंड ईयर का 15th लेक्चर कवर कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करनी है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की। तो कंसिडर कर लेते हैं एक शीट ऑफ चार्ज है जिस पर चार्जेस मौजूद हैं और एक लार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और इनफाइनाइट एक्सटेंट में है और पॉजिटिव चार्ज है और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, यूनिफॉर्मली एक साइड पर चार्जेस मौजूद हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि उस सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और जैसे कि शीट जो है वो इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगी शीट पर, यानी कि जैसे कि शीट ये आपको नजर आ रही है अभी स्क्रीन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम बाहर की तरफ आ रही होंगी स्क्रीन से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले मैंने बताया था पहले भी और अभी दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कभी भी अगर अप्लाई करना हो गॉसेस लॉ को तो उस और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो तो उसके लिए हमारे पास चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला यह है कि आपने एक गॉशियन सरफेस को सपोज करना है। दूसरे नंबर पर आपने टोटल फ्लक्स पता करना है अपनी कैलकुलेशन से, यानी कि फ्लक्स के फॉर्मूले से। तीसरे नंबर पर आपको अप्लाई करना है गॉसेस लॉ और फिर जो आपका आंसर है और जो गॉसेस लॉ का आंसर है उसको कंपेयर करना है तो फाइनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। तो पहले स्टेप के मुताबिक हमने एक पॉइंट पी कंसिडर करा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने वो पॉइंट पी सपोज कर लिया क्लोज टू द शीट, ठीक है, अच्छा खासा क्लोज है, वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करनी है इसकी तो एक गॉशियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो कि इसके आर पार गया हुआ है, यानी कि जो शीट ऑफ चार्ज थी उसके आर पार गया हुआ है और इन सच अ वे दैट द पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सिलेंडर, मतलब यहीं कहीं पॉइंट पी भी मौजूद है जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है। तो मैंने बताया पहला स्टेप यह है कि आप खुद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक वो ई डॉट डेल्टा ए होता है, ये हम लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस थीटा और एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर जा रही है और जो भी हम यहां पर सपोज करेंगे सिलेंडर उसका जो कैप होगा उसके भी एरिया ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ऐसे ही है और एरिया भी ऐसे ही है। सिमिलरली अगर इधर से सपोज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ऐसे ही है और जो एरिया है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 0, तो कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ई डेल्टा ए। तो जो फ्लक्स होगा दोनों साइड से वो ई डेल्टा ए के बराबर होगा और ये जो है ना दरमियान वाला, बाकी जो पूरा का पूरा एरिया है इधर हमने सपोज किया है, वरना के ये जो पूरी की पूरी सरफेस है यहां पर आप कहीं से ही मेजर करो तो आप देखोगे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, यहां से तो फ्लक्स ना होने के बराबर पास हो रहा होगा। एक्चुअली जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज हैं वो अगर पास हो रही होंगी तो वो दोनों कैप वाली साइड से हो रही होगी, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से, तो इस वजह से हमने लिख दिया ई डेल्टा ए प्लस ई डेल्टा ए प्लस 0, ठीक है, और डेल्टा ए आपको पता है एरिया है ऑफ द एंड फेस, इधर भी इस साइड पर भी और उस साइड पर भी, तो ये हो जाएगा 2e डेल्टा ए। लेट से जो आंसर आया है ये फ्लक्स का टोटल फ्लक्स का आंसर आया है हमारे लिहाज से, सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई कर देंगे गॉसेस लॉ को, तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स पास होता है किसी भी सरफेस से वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, और जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो इंक्लोज कर रही है चार्ज Q को, तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो एक आंसर था हमारा वाला, यानी कि ये वाला आंसर 2e डेल्टा ए, ये हमारी तरफ से आंसर था, गॉस लॉ के मुताबिक 1/ε0 क्यू आया, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आ जाएगा 2e डेल्टा ए बराबर आएगा Q/ε0, और क्योंकि फॉर्मूला फाइंड करना था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का तो आ जाएगा Q/2 डेल्टा ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पर ये जो Q/ΔA लिखा है ना यही शो करता है चार्ज डेंसिटी को, यानी कि चार्ज रिजाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो भी शीट है
पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, जैसे कि हम मास डेंसिटी पढ़ते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी है, यानी कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया। तो उसको हमने इनिशियली सपोज किया था सिग्मा के बराबर चार्ज डेंसिटी, तो जहां लिखा था क्यू अपॉन डेल्टा ए, वहां पे हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, ये आपको बताएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, चूंकि हमने पॉइंट पी सपोज किया था उस पॉइंट पर। दैट्स इट। यही वो तरीकेकार है जिससे आप फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जो भी क्यूरीज हैं कमेंट्स में लिखो, रिप्लाई करेंगे, और स्टडी करते रहो, देखते रहो तलाश फेस अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।